उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में रहने वाले 9 लड़कों और 3 लड़कियों ने महाराष्ट्र में हुई नेशनल वोको किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। वोको किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराजा इंडोर कॉम्प्लेक्स पुणे में पिछले महीने 24 से 28 तक किया गया था। बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने पदक जीतने वाले युवाओं की सराहना की और कहा कि हम हर किस्म की मदद का आश्वासन देते हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह JKLF जमात इस्लाम पर लगे बैन को हटा देगी। महबूबा ने कहा कि हुर्रियत नेतृत्व पर कार्यवाही और अन्याय की छापेमारी का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा देश भर में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस कार्यवाही को करवाया जा रहा है और ऐसा लोगों को दिखाने की कोशिश कराई जा रही है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का कश्मीर और अलगावादियों पर कठोर रुख है। महबूबा ने यह भी कहा कि सैयद अली शाह गिलानी की संपत्ति को जब्त करना और मीज़वाइज उमर फारूक पर छापेमारी सब इस चुनावी खेल का हिस्सा है। सांबा जिले के राजपुरा गांव में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मतदाता जागरूकता रैली निकाल लोगों से कहा कि वह सारे काम छोड़ सर्वप्रथम 18 अप्रैल को मतदान करने मतदान केंद्र जाएं। ये रैली गगवाल की CDPO प्रिया लक्ष्मी और राजपुरा के सरपंच की अगुवाई में निकाली गई। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि एक एक मत की कीमत है, वह मत के महत्व को समझे और अपने मत का सही उपयोग करें। शिवसेना हिंदुस्तान के पूर्व उपराज्य प्रधान गणेश चौधरी ने बिश्नाह पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने उन पर गत माह करियाल ब्राह्मण में हमला किया था वह लोग आज भी खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। आरोपियों पर मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने आज तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया है। गणेश चौधरी ने इन्हीं लोगों पर आरोप लगाया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके पिताजी की भी हत्या की थी। उन्होंने गुहार लगाई है कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। उधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता युवराज विक्रमादित्य सिंह ने जनसभा को आज सांबा जिले में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की बोली वाली जनता से कई वादे किए लेकिन भाजपा सरकार वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही। युवराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने हर साल 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने व इस तरह के कई और झूठे वादे किए लेकिन भाजपा द्वारा किए गए वादों में से भाजपा ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से झूठे वादे करके जनता से वोट बटोरे लेकिन अब जनता भाजपा की झूठी नीतियां समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर तबके जाति व धर्म को लेकर साथ चलती है।